गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इंग्लिश में आज हम लोग एक और टॉपिक करेंगे जिसमें आपको टू वर्ड्स राइट किए हुए मिलेंगे, एक लेकिन इसमें से आपको करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है। जैसे हम लोग डू एज डायरेक्टेड करते हैं, उसमें लास्ट में मैं ऑप्शन देती हूँ, लेकिन आज हमने एक और तरीके से इसको करने की कोशिश की है। ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, आई, ऑप्शन है ये आपके पास। आई के साथ क्या लगाओगे, एम या आर? पहले इसको छोड़ के हम लोग सेंटेंस रीड करते हैं। आई रीडिंग अ बुक, ऑप्शन में है एम और आर। अब आपको देखना है आई के साथ हम एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, है ना? तो मैंने आपको बहुत बार बताया ना कि अगर हम लोग इज एम आर में से ऑप्शन को चूज करना है तो आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, सर्कल, ठीक है? तो एक मैं बना देती हूं सर्कल द करेक्ट वर्ड, ठीक है? अब बाकी के सब आप अपने बना लोगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ। नेक्स्ट है नंबर टू, शी, शी हैव और हैज मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी है या उसकी ट्रेन छूट गई है, ठीक है? तो शी के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव या हैज? आपको यो भी इसमें लगेगा, उसको आपको सर्कल कर देना, ठीक है? नेक्स्ट नंबर है माई फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, फ्रेंड नहीं है, ध्यान देना है, माई फ्रेंड्स। अब एक से ज्यादा होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। अगर ऑप्शन में वॉज और वर है तो इसमें आपको क्या यूज करना है, वॉज या वर, उसमें सर्कल लगा देना है। वेरी हैप्पी माई फ्रेंड्स वॉज या वर वेरी हैप्पी, मेरे दोस्त बहुत खुश थे। नेक्स्ट है वी, इज और आर, गोइंग टू स्कूल, वी गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे थे। हम लोग एक तो नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, तो अब एक से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं वी के साथ, वो आपको देखना है, उसमें आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है आर स्कूल, फिर हैव और हैज, आर स्कूल, स्कूल एक है तो इसके साथ हैव लगाओगे या हैज लगाओगे। फोर गेट्स, हमारे स्कूल में कितने गेट हैं, फोर गेट्स हैं, तो अब आर स्कूल के साथ आपको क्या करना है, हैव या हैज, ठीक है? नंबर सिक्स, माय फादर वर्क्स इन, आगे क्या है, ऑफिस, ऑप्शन में क्या है, अ या एन। अब आपको पता है ना अ एन द हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पता होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, अ लगाएंगे या एन लगाएंगे? ऑफिस कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ से, तो आपको देखना है यहाँ पे हम जो वर्ड्स ओ वॉवेल से स्टार्ट होते हैं ए ई आई ओ यू से, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें आपको सर्कल कर देना है। नंबर सेवन, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, है ना? तो इसमें क्या आएगा, ग्लास के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे कि अ लगाएंगे? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा माय ब्रदर इज या आर ड्राइविंग अ कार, मेरा भाई कार चलाता है। माय ब्रदर के साथ आप क्या लगाओगे, इज और आर? जब एक चीज होती है तो हम क्या यूज करते हैं, या एक से ज्यादा होती है तो हम इज एम आर में से क्या यूज करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स है बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, उसके साथ हम हैव यूज करेंगे या हैज यूज करेंगे? विंग्स, वर्ड्स हैव विंग्स या वर्ड्स हैज विंग्स, ठीक है? वर्ड्स के क्या होते हैं,
विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, रिया, एक गर्ल का नेम है, एक लड़की है। रिया है तो हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे? गॉन फॉर अ पिकनिक। रिया एक है, रिया हैव गॉन फॉर अ पिकनिक या रिया हैज गॉन फॉर अ पिकनिक? ठीक है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना है। ये भी आपका एक टेस्ट है, लेकिन मैं आपकी फिर भी पूरी हेल्प कर देती हूँ, पूरे आंसर्स एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत इजी वे में आंसर्स जो हैं एक्सप्लेन करें, ताकि आप सब बच्चों को समझ में आ जाए। लास्ट नंबर है द विंडो, आर शट या विंडो इज शट। अब विंडो एक है तो अब आर लगाओगे कि इज लगाओगे? इतना सब बच्चे कर लेंगे, हमने बहुत बार कर लिया है ना। तो जो बच्चे अपना काम रेगुलरली करते हैं, ध्यान से करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनके लिए ये बहुत इजी काम है, बहुत छोटा सा, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है बेटा, तो इसे आप अपनी इंग्लिश कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में बना लेना है, और हो सके तो इसकी ऐसे ही सेंटेंसेस की और भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है बेटा।